ओम नमः शिवाय। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष बृहस्पतिवार चतुर्थी तिथि पूरे दिन और रात्रि 10:10 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा रेवती नक्षत्र में रात्रि 8 बजे तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। रेवती नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी बुधदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर पवित्र हृदय वाले हर कार्य करने में समर्थ लोकप्रिय और धन और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। ऐसे जातक बुद्धिमान उच्च पद प्राप्त करने वाले उचित सलाह देने वाले मित्रों से युक्त मगर दुविधापूर्ण मनःस्थिति वाले पूर्वानुमान लगाने में कुशल चतुरता से काम निकालने वाले उच्च अभिलाषी और सक्षम अधिकारी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा बुध और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन मीन राशि में रात्रि 8 बजे तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज के चंद्रमा पर शुक्र की सप्तम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि पड़ती रहेगी, जिसके कारण मानसिक अस्थिरता, मन में नकारात्मक भावों का पैदा होना और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होने का अंदेशा बनता है। मेष राशि के जातकों के लिए शारीरिक संवेदनशीलता बनी रहेगी। अनावश्यक खर्च, अनचाही यात्रा और अपव्यय का संकेत मिलता है, मगर कार्य क्षेत्र के प्रयास सफल होंगे और निजी निवेश के लिए पत्नी की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। नई कार्ययोजनाओं के संपन्न होने में गति आएगी। सरकारी एजेंसियों से सहयोग और उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा। रुके हुए काम संपन्न होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति में सुधार बना रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अपेक्षित हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में सहयोग और सफलता संभावित है। वृष राशि के राशि स्वामी शुक्र कन्या राशि में चल रहे हैं। रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत मिलता है। धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और आर्थिक लाभ की स्थिति आपके कार्य क्षमता के ऊपर निर्भर करेगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। घर गृहस्थी संबंधी मामलों में निवेश भी संभावित है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी, मगर कुछ कामों में रुकावट की संभावना भी बनती है। संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। प्रयास जारी रखें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र से संबंधित मामले में विस्तार और सफलता जारी रहेगी। चंद्रमा के बुध के नक्षत्र में होना सहयोग, आत्मविश्वास और सफलता में वृद्धि का संकेत देता है। साझेदारी के कामों में भी सार्थक प्रेरणा बनी रहेगी और आर्थिक लाभ का मार्ग प्रशस्त रहेगा। सरकारी कामकाज में रुकावट खत्म होगी और संतुष्टि महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और कुछ ना कुछ सीखते रहने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित हैं। सावधानी अपेक्षित है। कर्क राशि के जातकों के लिए रुके हुए काम संपन्न होंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा। सामाजिक प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। नए कार्ययोजनाओं में इरादे मजबूत होंगे और विकास की दर में वृद्धि होगी। सहयोगियों से लाभ मिलेगा, मगर अतिरिक्त जिम्मेदारी भी बनी रहेगी। चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में चलते रहेंगे, इसलिए शारीरिक संवेदनशीलता और मानसिक दुश्चिंता का संकेत मिलता है। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। विद्यार्थी प्रयास जारी रखें। सफलता संभावित है। धार्मिक भावना में वृद्धि होगी और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक पक्ष में उतार चढ़ाव बना रहेगा और लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी, मगर अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। घर गृहस्थी और कार्यस्थल को सजाने संवारने की रचनात्मक पहल जारी रहेगी। नई कार्ययोजनाओं में सहयोग मिलता रहेगा। कामकाज में गति आएगी और विचाराधीन मामले संपन्न होंगे। संतान संबंधी मामलों में चिंता बढ़ सकती है। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और यात्रा या प्रवास संभावित है। विद्यार्थियों को सार्थक फल मिल सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और नई कार्ययोजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे।
भूमि वाहन या प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी और उसमें निवेश संभावित है। रुके हुए काम संपन्न होंगे, आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और साझेदारी के काम लाभदायक रहेंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए और सरकारी कार्यों में खर्च का अंदेशा बनता है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रयास सार्थक होंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। तुला राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों के साथ साथ कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियां रखनी चाहिए। मानसिक चिंता बनी रहेगी। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में छठवें चल रहे हैं, सावधानी अपेक्षित है। साथ ही सामान्य ढंग से चल रहे कामों में रुकावट का अंदेशा भी बनता है। हालांकि सकारात्मक प्रेरणा और सहयोग बरकरार रहेगा, फिर भी कार्य क्षेत्र के कुछ पहलुओं पर मन सशंकित रहेगा। आर्थिक लाभ आपके परिश्रम के अनुसार मिलता जाएगा और अनावश्यक खर्च का संकेत भी मिलता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की अनुकूलता बनी रहेगी और सकारात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा। पारिवारिक हस्तक्षेप संभावित है। मन मुताबिक काम होने में दिक्कत और रुकावटें हो सकती हैं। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। साझेदारी में लाभ मिलेगा, मगर पारिवारिक दायित्व की चिंता, मन में उत्साह की कमी और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत मिलता है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की संभावना बनती है। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक प्रस्तावों में अनुकूलता बनी रहेगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की नई कार्ययोजनाओं का लाभ मिलेगा और नए अवसर सामने आएंगे, मगर कार्य क्षेत्र में अनियमितताओं के साथ आर्थिक रुकावटें संभावित हैं। मगर पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। सरकारी विभाग के रुके हुए काम पूरे होंगे और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। साझेदारी सफल रहेगी और आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। प्रयास सार्थक होंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। मकर राशि वाले जातकों की क्रियाशीलता और दृढ़ इच्छा शक्ति सहयोगात्मक रूप से जारी रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में पूर्ण सहयोग और सफलता का संकेत मिलता है और संबंधित यात्राएं संभावित हैं। साझेदारी सफल रहेगी। विभागीय कर्मचारियों का सहयोग मिलता रहेगा। प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। प्रयास जारी रखें और गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से योजनाएं पूरी होंगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। नई कार्ययोजनाओं और साझेदारी के कामों में सफलता मिल सकती है। निजी निवेश के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। पत्नी की सलाह और सकारात्मक प्रेरणा से रुकते हुए काम संपन्न होंगे। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, मगर कुछ कामों में अचानक रुकावट, विवाद की स्थिति भी संभावित है। वैवाहिक प्रयासों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयास जारी रखें। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा आपकी राशि पर चल रहे हैं। आत्मिक सुख और मानसिक संतुष्टि बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में रचनात्मक क्रियाशीलता और उत्साहजनक स्थिति कायम रहेगी, मगर महत्वपूर्ण और ठोस निर्णय सोच समझकर सावधानी से लेना चाहिए। हालांकि कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।